आप देख रहे हैं प्रदेश का तेजी से बढ़ता विश्वसनीय चैनल रेड अलर्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि पटेल। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आज गोवंश संरक्षण पर परिचर्चा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेशानंद गिरी, कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में जिले में गोवंश की हालत सुधारने के लिए परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में गोवंश की बिगड़ती व्यवस्था को सुधारने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंच से गोवंश की इस हालत का जिम्मेदार खुद गोपालक को बताया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार गोवंश की हालत सुधारने के लिए प्रयत्न कर रही, लेकिन किसानों पालक को भी गोवंश की हालत सुधारने के लिए आगे आना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति गोग्रास निकले, यानी रोज 10 रुपये कहीं हर व्यक्ति गौमाता की सेवा में देगा तो गौ माता की हालत सुधारी जा सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने लगातार गोवंश संरक्षण के लिए जिले में आवाज़ उठाई और गोवंश के लिए जिले में हालत सुधरे, जिसके लिए 10 दिन धरना प्रदर्शन भी किया। उन सभी युवाओं ने गौ संवर्धन बोर्ड अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने इनकी बात को गंभीरता से लिया और साथ काम करने और जिले में गोवंश की व्यवस्थाओं और गौशालाओं की व्यवस्थाओं को जल्द सुधारने का आश्वासन भी दिया। सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है, समाज को अपने हिस्से का काम करना चाहिए, ये एक फार्मूला है। घर घर गाय, घर घर गौशाला और घर घर गौ सेवा, ये हमारा पारंपरिक सूत्र रहा है। जब सड़कों पर गाय दिखाई पड़ने लगी तब सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, सरकार सरकार होती है और वो पब्लिक की होती है। तो मनरेगा के फंड से 3000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में तैयार हो, 1000 तो हो ही गई है, 2000 गौशालाएं और तैयार हो रही है। अब इतनी सारी गौशालाओं की क्या मध्य प्रदेश में आवश्यकता है, और यदि आवश्यकता है तो इन गौशालाओं का संचालन समाज को करना चाहिए, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि किसान अपने घर की गाय इन गौशालाओं पर रख रहा है जो गलत काम कर रहा है। ये गाय जो है वो किसान की है, इसलिए किसान को अपने घर में ही उनका पालन करना चाहिए। जो सड़कों पर निराश्रित होकर के बेसहारा होकर के घूम रही है, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, ऐसी गायों को ही गौशाला में पहुंचाने का काम करना चाहिए। उल्टा हो रहा है, हमारी घर की गाय बांध तो चुकी है, दूध नहीं दे रही है, तो ये तुम तुम्हारे लिए बनाई गई है कि अच्छा मान लो बांध भी लो तो तुम चारे भूसे की व्यवस्था करो। जी जी, सरकार अपने हिस्से का काम कर रही है। 20-20 रुपया हम एक एक गाय को दे रहे, ये प्रोत्साहन राशि है कि आप अपना, अच्छा किसान को क्यों नहीं बोल रहे आप, सरकार को ही बोल रहे हो। आप किसान को बोलो कि अपनी फसल कटवाने के बाद नरवई जलाते क्यों, भूसा क्यों नहीं बनाते आप भूसा बनाओगे तो आपके पास भंडारण होगा। अच्छा ना पाल रहे हो तो भी भूसा बना के आप गौशालाओं में पहुंचाइए। क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाएगी जो गेहूं गायने के बाद या फसल गायने के बाद आग लगाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो? ये तो क्योंकि कहीं ऐसी कोई नीति बनती है, डिपार्टमेंट सोचेगा और ऐसी नीति हम बनाने जा रहे हैं। पहली बात तो हमने टैगिंग कर दी है गायों की, और टैगिंग की हुई गाय अगर हमको गौशाला में मिलेगी तो मैं तो आदेश करने जा रहा हूँ कि किसान को बुलाओ, अभी तेरे लिए बनाई गई है गौशाला, तो अपनी गाय ले जा अपने घर में रख, और अगर नहीं तो लिख के दे कि अब गौशाला की संपत्ति है, तेरी संपत्ति नहीं है। अगर गाय धना जाएगी, दिया जाएगी, दूध देने लग जाएगी तो वापस नहीं मांगेगा। गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी का जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो हमारे क्षेत्र को किस प्रकार से हम गो संवर्धन संरक्षण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं, जो हमारे स्वयं सेवा समूह काम कर रहे हैं उनको कैसे ताकत दे सकते हैं, जिससे कि जो हमारा गो वंश है जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है, जिस प्रकार से उपेक्षित हो रहा है, तो समाज आस्था तो रखता है लेकिन उसके प्रति अपने कर्तव्य की निर्वाह करने के लिए उसको जागरूक करना आज का ये उद्देश्य था, और हमने इसमें कुछ सफलता प्राप्त की है। आने वाले समय में हम स्व सहायता समूह के माध्यम से या ऐसे समाजसेवी लोगों के माध्यम से जो कि गोवंश का संरक्षण कर सकेंगे उनको जोड़कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे।